Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. अजमेर के मांगलियावास थाना इलाके के अर्जुनपुरा गांव में शनिवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दूषित मिड डे मील खाने से 40 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों को एकाएक उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्चों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से एक दर्जन बच्चों को अजमेर रेफर किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार बच्चों को सुबह 10 बजे दूध दिया गया था, उसके बाद दोपहर के भोजन में आलू की सब्जी और रोटी दी गई थी। उसको खाने से एक के बाद एक करके बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। इसके बाद 40 से ज़्यादा बच्चे उल्टी दस्त के शिकार हो गए। खाने के बाद अचानक हुए इस हादसे से स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद में बच्चों को तत्काल केसरपुरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र पर भी एक साथ इतने बच्चे आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहाँ करीब एक दर्जन बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां बच्चों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। स्कूल में हुई इस घटना के बाद बच्चों के अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी रोष पैदा हो गया और उन्होंने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी तुरंत अस्पताल पहुंचे और स्कूल स्टाफ से पूरे मामले की जानकारी ली। केसरपुरा सरपंच शक्ति सिंह रावत भी अजमेर अस्पताल पहुंचे और बीमार बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। फिलहाल सभी बच्चों की तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन अब अभिभावकों को इंतजार लापरवाही बरतने वाले दोषियों पर कार्रवाई का है। कितने साल का बच्चा है? ये छोटे ही छोटे बच्चे हैं गुरुजी, ये तो सब। भैया वहाँ ले जाओ बच्चे वार्ड में। धीरे से यार बात सुनिए, अच्छा जाओ आराम से, आराम से धीरे चलो ना, धीरे चलने का, जल्दी जल्दी अंदर। बीमार है बच्चा। अरे यार कोच ये बताइए कि कहाँ से है पूरा मामला और कौन से बच्चे हैं, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे? ये अर्जुनपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत केसरपुरा का है। ये करीबन 40 से 50 बच्चे जिन्होंने आज पोसार खाने के बाद उल्टियां होना शुरू हुई, उसमें इन 7 बच्चों की ज़्यादा गंभीर हालत थी। इनको लेके आए, पहले सराधना हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनको तुरंत JLN पहुँचाओ। अभी 4 बच्चे पीछे और हैं, तो जैसे घर पहुँचे उनको उल्टियाँ और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, उनको भी लेके आ रहे हैं। तकरीबन 11 से 15 बच्चे जिनकी तबीयत ख़राब हो गई। ये सब बच्चे पोसार खाने के बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई है। आज क्या खिलाया इनको? आज इनको ये दाल और कुछ आलू की सब्जी खिलाई है, इनको चपाती थी उसके साथ में, इससे ये कुछ पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। और जबकि जिम्मेदारी उस प्रधानाध्यापक की बनती है, वो प्रधानाध्यापक वहाँ स्कूल से दोपहर में निकल चुका है और पीछे स्टाफ है, लेडीज स्टाफ, ये इतना ध्यान नहीं करके आज इन बच्चों की हालत ऐसी हो गई। जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं नसीराबाद था, मैं मौके पर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, सराधना इन बच्चों को यहाँ लेके आया और पीछे से जो गांव वाले उन बच्चों को और लेके आ रहे हैं अभी। क्या नाम है प्रधानाध्यापक का? जो खूब चंदानी जी। तो आपने फिर शिकायत करेंगे? मैंने शिकायत DO सर को बता दी, PO मैडम को बता दी, मैंने प्रिंसिपल केसरपुरा को और उच्च अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये गंभीर मामला है। ये जिस प्रकार इन्होंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा और आज ये पोसार में लापरवाही बरती है, ये गंभीर मामला है। इसके लिए प्रशासन को इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। बच्चे हैं ये करीब 15 से 16 बच्चे हैं। आपका नाम बताइए। शक्ति सिंह रावत, सरपंच केसरपुरा।